हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th एआई का ये आप समझ लीजिए कि नोट्स हैं। अब आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले आप ये ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को ना क्विक रिवीजन मिलने वाला है। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर डाला था, सैम्पल पेपर था, वो पूरा पूरा सॉल्व आप लोगों को वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारा कंटेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली, कि जॉब पे किसी को रखा जाए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके पास क्या ऐसी स्किल है कि उसको नौकरी दी जाए। तो कम्युनिकेशन सिंपली यही होता है ना, कि आप अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, अपने जो भी थॉट है वो कैसे दूसरों तक ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। इसमें मैसेजेस का इन्वॉल्व होता है ना, तो आप अपनी बात को कितना अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं दूसरे को, वही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस कि भाई आप जो बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एजुकेट करने के लिए भी काम करते हैं, वर्क प्लेस पे सक्सेस के लिए, सोशल इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब कई सारे टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल तो सिंपल सा हो गया ना, कि फेस टू फेस हो रहा है, फ़ोन कॉल हो रही है, स्पीच हो रही है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप किसी के सामने हैं, आपने उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके जेस्चर से, उसकी टोन ऑफ वॉइस से उसको समझा, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि आप चार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, ग्राफ्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की साइकिल होती है, कि सेंडर से रिसीवर पर किस तरीके से फीडबैक जाता है, मैसेज जाता है, इनकोड किया जाता है ना, ऐसे प्रोसेस चलता है। एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, तो सेंडर होता है जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। अब क्या इन्फॉर्मेशन वो भेज रहा है, वो मैसेज होता है। फिर एक चैनल होता है जिसके थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है ना। फिर उसके बाद रिसीवर होता है, पर्सन जो उसको रिसीव करता है। फिर फीडबैक रिस्पॉन्स होता है कि भाई बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अब आता है नेक्स्ट, कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के। तो देखो, वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट होता है, बिल्कुल आपके सामने है, इमीडिएट है, और इफ़ेक्टिव जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स आइडिया है वह सामने बैठ करके ही अच्छे से समझ में आते हैं। रियल टाइम फीडबैक, आप तुरंत अपना फीडबैक दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। क्लियर होता है, प्रिसाइज होता है, इजीली समझाया जा सकता है ना, डेप्थ आ सकती है डिस्कशन में। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन, गलत समझ में आ सकती है बात, और इमोशन कई बार कन्वे नहीं हो पाते, और ऑडियंस मतलब एक बोल रहा होता है, एक सुन रहा होता है, तो सुनने वाला बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं होता है ना कम्युनिकेशन उसमें। नॉन वर्बल में इमोशंस और एटीट्यूड अच्छे से कन्वे होते हैं, यूनिवर्सल होती है, हर कोई समझ सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे होता है, तो आप एक डॉग की भी बात को समझ सकते हैं ना, उसको देख करके उसकी फीलिंग्स कई बार हम जान पाते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। लैंग्वेज बैरियर की वजह से क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कि आपके यहाँ कोई वर्ड है और मेरे वहाँ उस वर्ड का मतलब गाली हो। जैसे साउथ इंडिया में एक शब्द है रंडरा, वो इस्तेमाल करते हैं, बट हमारे यहाँ कुछ और मतलब होता है, तो इसीलिए लैंग्वेज बैरियर डायलेक्ट्स, शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। अब मेरी, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से कहा कि तूने कपड़े घड़ी कर दिए हैं क्या, वो मध्य प्रदेश की थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तूने कपड़ों को घड़ी कर देना, मतलब तूने घड़ी देख के कपड़े धोए हैं कि क्या किया है। बहुत देर तक समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही। फिर उसने मुझे कपड़ों की तैग, हमारे यहाँ तय करना बोला जाता है कपड़ों को, तो ये लैंग्वेज बैरियर होता है। कल्चर बैरियर होता है, कि भाई आपके यहाँ का कस्टम कुछ और है और मेरे यहाँ का बात करने का कस्टम कुछ और हो सकता है। फिजिकल बैरियर, जैसे कि नॉइज है, डिस्टेंस है। साइकोलॉजिकल बैरियर, हमारे इमोशंस कई बार चीज़ों को लेकर के अलग होते हैं, किसी और के अलग होते हैं। परसेप्शन बैरियर, आप किसी चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे परसीव कर रहे हैं। सिमेंटिक, वही शब्दों का और फ्रेजेस का मतलब अलग हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, की भाई कोई हायरार्की में रेड टेपिज्म आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही थे। नेक्स्ट यूनिट 2 आता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स।
देखो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल रेफर्स टू अ सेट ऑफ एबिलिटीज दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली कंट्रोल देयर थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशन. मतलब आपका अपने आप पे कितना कंट्रोल है, अपने थॉट्स पर, अपने एक्शंस पर, अपने इमोशन पर, अपने बिहेवियर पर, यही होती है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. दीज स्किल्स आर क्रूशल फॉर अचीविंग अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स, मेंटेनिंग वेलबींग एंड अडेप्टिंग टू वेरियस लाइफ चैलेंजेस. तो आपकी लाइफ में, किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई चैलेंजेस आएंगे तो वो इंसान उस पर रिएक्ट कैसे करेगा, ये उसकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू देखते हैं. डोमेन्स क्या क्या हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के, तो आप स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने बारे में, सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, क्या आप खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं, क्या आप अपने एक्शंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं, मतलब गोल सेट कर पा रहे हैं, और क्या टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं. अब इसी में से ही ना काफ़ी सारे MCQs भी निकल करके आ जाते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हुई आपकी लाइफ में तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया. स्ट्रेस इज अ वे ऑफ आर बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्ड एंड प्रिपेयर टू हैंडल डिमांडिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन इन आर लाइफ्स. ठीक है, मैनेजमेंट टेक्निक्स में आता है, दिस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, कोप विद एंड रिड्यूस स्ट्रेस इफेक्टिवली. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना, मैनेजमेंट टेक्निक्स कैसे कैसे आएंगी, तो हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, रेस्ट एंड स्लीप, मेडिटेट करें, वॉक करें, अपनी हॉबीज़ को टाइम दें, इंडिपेंडेंटली काम करें, ये सारी की सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं. सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके इमोशंस, आपकी वैल्यूज़, इन सब चीज़ों के बारे में आप कितना जानते हैं, वही होता है सेल्फ अवेयरनेस. तो सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी वीकनेस को पहचाने, अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं ना, थ्रेट्स आ रहे हैं, वो सब आप ध्यान से देखें. सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि भाई आपने गोल सेट किया, कि आपका ये गोल है, उसको सेट किया आपने, और जो भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ रहे हैं वो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं. तो फाइंड लिस्ट ऑफ योर मोटिव्स, कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं. फाइंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन इंस्पिरेशन, जैसे कि म्यूजिक, बुक्स, एक्टिविटीज़ वगैरह. थिंक एक्सपेंसिव थॉट्स है ना, बड़ा सोचो टाइप्स. और लिव फुली इन अ पर्सन इन द प्रेजेंट मूवमेंट, अभी जो है उसमें फुली प्रेजेंट रहो, बड़े ड्रीम्स. तो ये सब हो गया. सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड रेफर्स टू एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस ओन थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर एंड इम्पल्सेस इन वेरियस सिचुएशंस. ठीक है, इसमें आता है गोल सेटिंग, कि भाई इफेक्टिव गोल सेट. अब जैसे स्मार्ट में, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. गोल शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियरली डिफाइंड, कि जी ये मेरा गोल है. मेजरेबल, कि भाई आप उसको ट्रैक व्रैक कर सके, तो ये सब इसमें आ जाएगा. ठीक है, okay? अब हम ये वाला पार्ट हमारा हो गया, आगे हम देखते हैं. यूनिट 3 आता है ICT स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस. तो ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ICT मीन्स अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, ये हो गया. तो भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICT होता है. ये डील करता है टूल्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो कि स्टोर है ना, रिकॉर्ड करना, सेंड डिजिटल इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड काम इसमें आता है. तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पता होना चाहिए, है ना. तो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं. फिजिकल पार्ट जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है, जैसे कि है ना मॉनिटर, CPU वगैरह. और सॉफ्टवेयर अंदर होता है हार्डवेयर के, जो एक्चुअली काम चल रहा होता है, जैसे कि पेंट या फिर फोटोशॉप. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है. इट बेसिकली मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है उसके जितने भी रिसोर्सेज है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही मैनेज कर रहा होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना. तो वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग. सिंगल यूज़र में देखो DOS आता है, मल्टीटास्किंग में है ना विंडोज़ जो है, फिर उसके सॉरी सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग में, और ये मल्टी में हमारा यूनिक्स, लाइनक्स, OS वगैरह आ जाता है. अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम
तो रियल टाइम ओएस एग्जांपल उनके आप लोगों को याद रख लेने हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड हो गया है ना, आईओएस हो गया, विंडोज़ फोन हो गया, सिम्बियन, अलग अलग टाइप के मोबाइल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए याद करके चले जाइएगा। अब फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, होपफुली ये सब तो आप लोग ने मतलब विंडो खोलो और ये सब जो होता है, फाइल और फोल्डर के बीच में डिफरेंशिएशन। फाइल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। इट इज़ यूज टू कंटेन मैनी अदर फोल्डर्स इन फाइल्स। ठीक है, एक्सटेंशन नेम होता है इसका, सिर्फ नेम होता है। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा आता है, एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी। भाई अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं है ना, मतलब खुद कमा रहे हैं, और किसी और को भी अगर आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वही जो है एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योर्स रन देयर बिजनेस इन अ मार्केट, द मार्केट हैज़ पीपल हु बाय प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट आप कोई बना करके बेच रहे हैं, एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम ऑल्सो। व्हेन पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर, तो इस ये सबको हेल्प होती है, यही बिजनेस होता है, यही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस चला रहे होते हैं पर्सन, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करना होता है, लोकल मार्केट का इस्तेमाल करना होता है, सोसाइटी की हेल्प करनी होती है, जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और प्रोडक्ट्स के जो है अच्छे प्राइस आपको प्रोवाइड करने होते हैं। क्वालिटीज़ और फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, कि भाई हार्ड वर्क करते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, इंडिपेंडेंट, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो सब में होना चाहिए, याद कर लेना। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, प्लानिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, डिटेलिंग, फाइनेंसिंग, प्लानिंग, ये सब होते हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं ना जब, तो ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है, इनोवेट करना, ब्रिंगिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इनटू द मार्केट है ना, नए प्रोडक्ट सर्विस लेकर के आना, तो ये सारे कोऑर्डिनेट करना, एम्प्लॉय जनरेट करना। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, भाई देखो एंटरप्रेन्योर्स की तो इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली होती ही होती है, क्योंकि बिजनेस जैसा चल रहा है, मार्केट जैसा चल रहा है, चलता है, बट कोई नया इंसान आता है, वो इनोवेशन लेकर के आता है और नई इंडस्ट्रीज लगाता है और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो फिर एंटरप्रेन्योर्स की इंपॉर्टेंस तो होती ही है। एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज, वेल्थ क्रिएशन होता है, आप खुद ही अपने बॉस होते हैं, ये सारी की सारी चीज़। नेक्स्ट आता है ग्रीन स्किल्स जो है, यूनिट 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, वो यही है कि आप जो चीज़ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी रहे कि ह्यूमन रेस जो है वो प्रोग्रेस करती रहे, हमारी जो हवा है वो गंदी ना हो, हम हवा साफ़ रखें, ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डिप्लीट ना हो जाए, हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा गंदा ना कर दें, तो खाना भी साफ वाफ मिलता रहे, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात आजकल सब कर रहे हैं, कि एबिलिटी टू बी मेंटेन एट अ स्टेडी लेवल इज सस्टेनेबिलिटी। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी जो है, सिंपल सी लैंग्वेज है, कि भाई आज जैसा जो रिसोर्सेज आपके पास है ना, ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो रिसोर्सेज खत्म हो जाए, उनको वो मिले ही ना, तो ये सबको मिलते रहे, तो ये सस्टेनेबिलिटी होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा ही डेवलपमेंट होता है कि भाई देखो यहाँ से ना 1972 का हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन, इससे बहुत ज़्यादा, और फिर ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, ये सारा का सारा आपकी ज्योग्राफी का जो चैप्टर वन है ना उसमें भी है, कि आर कॉमन फ्यूचर है ना, कि भाई आप यूज़ कर रहे हो ना फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, छोड़ देना, बर्बाद मत कर देना सब कुछ। और फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं सारे के सारे, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ना याद कर लेना, आ जाते हैं लिखने के लिए, इम्पॉर्टेंट है। आर्ट्स एंड यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, अपसाइकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले तो एंटरप्रेन्योर और वो मतलब ऊपर ऊपर की बातें थी, अब एक्चुअली जो एआई वाला पार्ट है कि एआई क्या होता है, टाइप्स ऑफ एआई क्या होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब व्हाट डज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन, यही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। Which type of intelligence involves problem solving and mathematical skill? To logical mathematical intelligence. Linguistic intelligence क्या होती है? Linguistic intelligence proficiency in which area is empathized? तो फिर language and communication. Spatial intelligence visualization और shape पर focus करती है।
कौन सी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करती है अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली? तो भाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग शेप्स एंड ठीक है स्पेसेस? तो वो स्पेटियल इंटेलिजेंस हो गई। एसर्शन एंड रीजन के सारे क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। और फिर ये ट्रू फॉल्स है कि भाई कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और भी ये शॉर्ट टाइप आंसर्स वाले हैं। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डिसीजन ट्री क्या होता है, ठीक है ये आपके सामने है, रूट नोड ब्रांचेस लीफ नोड, फिर व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट एआई, ये ठीक है एआई कौन सा है इनमें से, एआई कौन सा नहीं है। ये जो पीडीएफ है ना आप लोग अच्छे से, मतलब मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको बाकी सारा दिखा देती हूँ। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग एआई है ना, इस तरीके से कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है उसमें डिफरेंस क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स डेटा साइंसेज, डोमेन्स ऑफ एआई क्या क्या है, डेटा साइंस कंप्यूटर विजन और एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेटा साइंस वगैरह ये सब क्या होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ एआई लुक एट रियल वर्ल्ड, तो हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, रिटेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एप्लीकेशन क्या क्या है एआई के, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई इसको। ये हो जाएगा एआई में एथिक्स कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एआई एथिक्स। फिर प्रोजेक्ट साइकिल है ना, ये वाला पूरा आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। प्रोजेक्ट साइकिल की प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, मेन स्टेजेस, बार 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 मैंने देखा है पेपर में कि भाई एआई प्रोजेक्ट साइकिल की मेन स्टेजेस बताओ। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होती है, डेटा एक्विजिशन ये सब क्या होता है समझा दो। फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल अच्छे से इसको क्लियर करके बताना है, ठीक है। तो 4W कैनवस क्या है, हु व्हाट वेयर वाई, ये भी आता है कि भाई बताओ कि 4W कैनवस में क्या क्या आता है, हु व्हाट वेयर वाई। SDG गोल्स इंपॉर्टेंस इनकी। फिर डेटा एक्विजिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर है ना, ये सारा का सारा। फिर डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है, और इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग, ठीक है ना, मॉडलिंग जो है वो क्या होती है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा जो है, फिर ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार 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 मतलब आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एग्जाम में ना आए। तो फिलहाल मैं जल्दी ही ट्राई करूँगी कि आज शाम को ये वाला पूरा भी एक्सप्लेन कर दूँ। फिलहाल आप लोग ना रिविजन के लिए इवेल्युएशन क्या होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा ना अच्छे से करिएगा, ये बहुत अच्छी पीडीएफ है, इसके नोट्स बड़े अच्छे हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।